नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद इस सीरीज़ पर अपना इतना ट्रस्ट बनाने के लिए, और आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरीके से मैं जारी रखूं। तो उसके लिए आपने जो बार बार कहा है कमेंट्स में लेकर के कि एक और होना चाहिए 100 क्वेश्चन का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है मिलते रहेंगे। PDF आपको मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सर्च कर सकते हैं एग्जाम सिटीज नेहा एडुकेटर, तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट ये है कि अगर इन क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेरी लगती हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, और इनमें आपका स्कोर जो भी रहे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर आगे आने वाले लोगों की हेल्प कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन में जो है क्वेरी किसी को ना रह पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, NIESSET NISET वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो जो NISET है आपका उसका कब बनाया गया था, तो ये इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी सितंबर 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, सितंबर 1977 में। और पूछा जाएगी जो इसका डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, तो इसका डिपार्टमेंट जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इस डिपार्टमेंट ने इसको बनाया था। अब आपको इसकी भी फुल फॉर्म जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए, तो वो क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका अगर पूछे कि नेशनल फोकल पॉइंट कहाँ पर है इसका, NFP कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है NFP, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब इसकी NFP की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल फोकल पॉइंट, जो आपका कहाँ पर है, जिसकी लोकेशन कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सितंबर 1977 में की गई थी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो इसकी जो है किसने डेवलप किया था आपके मार्क को, तो इससे पहले क्वेश्चन भी आया था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई लोगों को जो है मार्क से रिलेटेड जो फुल फॉर्म थी उसमें क्वेरी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं, तो जो मार्क की फुल फॉर्म है वो इस तरीके से हम, ये भी एकदम सही है, मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो ये की गई थी आपके द लाइब्रेरी एसोसिएशन, सॉरी लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, सॉरी इन्होंने डेवलप किया था द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि कहाँ का है आपका, USA का है। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने जो है आपका डेवलप किया था क्या, मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि कहाँ का है, अमेरिका का। द फर्स्ट एडिशन ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज पब्लिश इन द ईयर, तो आपका जो पांच जो नियम दिए गए थे लाइब्रेरी साइंस को लेकर के, तो उसका जो पहला एडिशन है संस्करण है वो कब प्रकाशित किया गया था, इन ईयर में से कौन सा है, तो ये किया गया था आपका 1931 में। और ये किसके द्वारा जो पांच आपके नियम हैं लॉ हैं जो बनाए गए थे, वो थे आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं, नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इवेंट है वो दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपका 12th नेशनल आइजिलिक सेमिनार 1986 हेल्ड है, तो ये कहाँ पर हुआ था आपका, इनमें से आप देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी जगह इनमें से हुआ था। नेक्स्ट आपका फर्स्ट सेमिनार ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 1966, और नेशनल पॉलिसी फॉर वर्सिटी लाइब्रेरीज 1986, केएन राज कमिटी 1980 से लेकर 1981 तक, तो ये कहाँ पर आपकी हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए ऑप्शन, तो पहले में क्या हो जाएगा, ये आपका हुआ था आपका हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आपका जो आपका फर्स्ट सेमिनार ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुआ था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में,
नेशनल पॉलिसी फॉर वर्सिटी लाइब्रेरीज ये होती है आपकी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और केन राज कमेटी जो आपकी गठित हुई ये आपकी कहाँ पर हुई थी, फिर फाइनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कर्नाटका। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले जो मैंने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लिया था जो कि ये पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन आए थे, तो 100 को हमने पहले कर चुके हैं, 38 नंबर वाले जो आपको मॉक टेस्ट था, और उसमें मैंने एक वोट करने के लिए कहा था कि आपको हिंदी में चाहिए फिर इंग्लिश में चाहिए, तो उसमें मुझे बहुत कम ऐसे लोगों ने जो कमेंट करके बताया था कि हमें हिंदी में भी चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर से आपको इंग्लिश में लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिले, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और ज़रूर से ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इन विच ईयर एंड विच यूनिवर्सिटी वॉज स्टार्टेड मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स फर्स्ट? तो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स जो है वो फर्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था? तो यहाँ पर आप बताइए, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी ने, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, बनारस यूनिवर्सिटी ने, या फिर अनामलाई यूनिवर्सिटी ने? तो ये किया था आपका बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी ने किया था, जो भी कब किया था 1968 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड सर्टिफिकेट कोर्स जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन 1929? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसने एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है स्टार्ट किया था जो जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के अंदर, और इसका जो ईयर था उस समय स्टार्ट किया था 1929 में, तो इनमें से कौन सी जो ये लाइब्रेरी थी, तो वो थी आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी, सॉरी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो वो आपकी थी आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी ने, ये जो सर्टिफिकेट कोर्स था वो स्टार्ट किया था मद्रास यूनिवर्सिटी ने। ए ऑप्शंस का राइट आंसर है। और साथ ही साथ में ये जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड एक पीडीएफ और शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको पता लग पाएगा कि कौन कौन से जो आपकी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने कौन कौन से जो कोर्स है वो लॉन्च किए थे कौन से ईयर में, और इसके बाद जो कौन से आपके जैसे सबसे पहले ये इस तरह का जो कोर्स लॉन्च किया था आपके बनारस यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया, तो वो सभी आपको एक ऑथेंटिक सोर्सेज है जो आपकी इन्फिल्पनेट जो प्रोवाइड करवाती है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ के आपको पीडीएफ ज़रूर मिल जाएंगे, तो इजीली आप वहाँ से ज़रूर समझ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि किसी बुक में लिखा गया हो वो ही एकदम जो सही हो, तो इससे अच्छा है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से इस तरह के जो डेटा है वो आप अपने पास नोट करें। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो सर्टिफिकेट के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट, व्हेन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है वो कब जो इसकी स्थापना की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका मई 1972 में, तो इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की। तो आपको जल्दी से इसका राइट आंसर देना है कि ये जो आपकी इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। नेक्स्ट है, इफ्ला वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? तो इफ्ला की स्थापना कब की गई थी? तो जो इफ्ला की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1927 में, 1927 में इफ्ला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एफआईडी वॉज फाउंडेड बाय हुम? तो एफआईडी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, फिर खोजा गया था, इस तरीके से बता सकते हैं एफआईडी किसके द्वारा बनाया गया था? तो एफआईडी बनाया गया था आपका पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन के द्वारा जो है ये एफआईडी वाज फाउंडेड बाय पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन। ए ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IATLIS? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी DB कृष्णा राव, DB कृष्णा राव इसका राइट आंसर है। तो अब तक की एक अलग जो आपको एक्रोनिम आया है जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो टी से आपका हो जाएगा टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर FID वॉज एस्टेब्लिश? तो आपके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने FID से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो इससे रिलेटेड डेटा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा।
तो FID आपका कहाँ पर एस्टेब्लिश है, कहाँ पर जॉब को मिलेगा FID? तो FID जो एस्टेब्लिश किया गया था वो तो इनमें से कौन सी जगह है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन ब्रुसेल्स, जो कि राजधानी है बेल्जियम की। एक्सपेंड द एक्रोनिम आइजलिक, तो आइजलिक की फुल फॉर्म क्या है? तो आइजलिक की फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर्स, बी ऑप्शन। कैन रेफर्स टू, तो कैन की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपकी कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन की फुल फॉर्म है। तो उसके पहले अभी अध्यक्ष की बात पूछी गई थी, उसमें पूछा गया था कि आइटलिस जो है ये स्टेब्लिश कब किया गया था, इसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी, जिसकी आपकी फुल फॉर्म क्या है। तो अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं साथ में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि कौन से ईयर में, क्योंकि इससे रिलेटेड डाटा यही पूछा जाता है कि कब स्टैब्लिश किया गया है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1969 में ये स्टैब्लिश किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1969। नेक्स्ट है, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया है, तो आइटलिस की आपकी फुल फॉर्म बतानी है, IATLIS की, तो अभी मैंने बताई है तो आप जल्दी से इसकी देखकर बता दीजिए। तो वह आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अंडर विच कैटेगरी डिक्शनरीज कम्स, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, या फिर आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं? तो डिक्शनरी की हम बात करें तो आपका सेकेंडरी है, प्राथमिक स्रोत नहीं है, सेकेंडरी है, द्वितीयक स्रोत है। नेक्स्ट है, हाउ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज आर नोन एज, तो आपकी जो बहुभाषी डिक्शनरीज होती है उनको किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो ये इसको कहेंगे पॉलीग्लॉट, ए ऑप्शन पॉलीग्लॉट। और पॉली जो आपका एक रूट वर्ड है, पॉली का मतलब है बहुत सारे, ठीक है, पॉली का मतलब है बहुत, एक से ज्यादा। द वर्ड इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो दो आपका वर्ड है एक इंडेक्स, तो कौन सी भाषा से जो है ये डिराइव किया गया है? तो ये जो किया गया आपके लैटिन भाषा से डिराइव किया गया है इंडेक्स। हाउ वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ मैप्स टेबल्स चार्ट्स एटसेट्रा, तो अब हम उसको क्या कहेंगे जिसका जिसमें आपका कलेक्शन हो मैप्स का, जो आपके मानचित्र हैं, चाहे आपके टेबल्स का कोई सारणियाँ बनाई गई हो, चार्ट हो, चार्ट जो आप जानते ही हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको हम कहते हैं एटलस, उसको कहेंगे हम एटलस, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज, तो कौन से इनमें से हैं जो कि द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो थीसिस जो होती है आपकी वो द्वितीयक जो स्रोत नहीं है, एक प्राथमिक है। थीसिस हम बात करें किसी भी टॉपिक पर, हम जो फर्स्ट टाइम जो कुछ चीज़ें लिखते हैं, जो सूचनाएं एकत्रित करते रहते हैं, उसको कहेंगे हम थीसिस। तो ये आपकी प्राथमिक स्रोत के अंदर आएगी, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। जैसे कोई रिपोर्ट भी हम बात करें तो वो भी आपकी प्राथमिक स्रोत के अंदर आती है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, तो ये की गई थी मार्शल डेकर के द्वारा पब्लिश की गई थी। इसमें पूछा गया है लाइब्रेरी साइंस का जो एनसाइक्लोपीडिया है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो ये ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया है यहाँ पर, तो ये किया गया था आपका मार्शल डेकर के द्वारा जो है पब्लिश किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, कोई भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ही उसमें आपको सूचनाएं मिलती है, कोई बुक होती है तो उसमें जितना उस वर्ड के बारे में, चाहे उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके बारे में बढ़ता किस तरीके से, हर चीज़ उस बुक में आपको दी जाती है। विच सर्विस डिमांड्स द क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल,
तो कौन सी आपकी इसमें सेवा है जो कि मांग करती है क्रिएशन, किसमें आपकी यूजर की प्रोफाइल के अंदर, सॉरी प्रोफाइल के बारे में जो आपका क्रिएशन बताती है, तो कौन सी सर्विस उसमें जो है। तो ये आपकी जो सर्विस है वो है आपकी सी ऑप्शन SDI। तो SDI जो सर्विस है वो किस तरह की है, तो कि वो रिलेटेड है द क्रिएशन ऑफ अ यूजर प्रोफाइल से रिलेटेड है आपकी। तो क्या कहेंगे हम, जो कि बहुत ही ईजी है, वो होती है आपकी एनुअल वार्षिक या वार्षिकी। फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस, तो फीडबैक कौन सी सर्विस का एक कह सकते हैं मैकेनिज्म है, या फिर मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। तो ये जो है आपका SDI का ही है सीरियल, तो इसमें आप देख लेंगे सीड फीडबैक आप समझते हैं, जैसे कोई भी अगर आपने कस्टमर केयर पर कॉल किया है तो उसके बाद आपके पास एक लिंक आता है फीडबैक का, कि आपको ये जाओ आपकी क्वेरी जो है सॉल्व हुई नहीं हुई, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी क्या उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने वो सॉल्व किया नहीं की, तो आपको उसमें रेट करना पड़ता है या फिर आपको जो भी जवाब देना होता है, तो वो क्या होता है आपका फीडबैक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डॉक्यूमेंट, तो कौन सा इनमें से है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो कहेंगे, जो कि हाथ से लिखा गया है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। आपका बुक जो होती है वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। पीरियडिकल्स भी जो आपकी पत्रिकाएं हैं वो भी आपकी एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इस तरीके से लिखा गया कहीं पर किसी के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शन कहेंगे। इन विच ईयर रेफरेंस सर्विस वॉज स्टार्टेड इन USA, तो USA में जो आपकी संदर्भ सेवा है वो कब स्टार्ट की गई थी, कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 1875 में जो है संदर्भ सेवा जो है USA में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द ऑपरेटिंग एजेंसी फॉर नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन, तो आपकी नेम द ऑपरेटिंग एजेंसी कौन सी है आपकी इनमें से, नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन की। तो ऑपरेटिंग एजेंसी है वो आपकी है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है आपकी, ये ऑपरेटिंग एजेंसी है किसके लिए, नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन की। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन बिगेन इन जुलाई 1971 एट, तो कैटलॉगिंग पब्लिकेशन कौन से जो इनमें से लाइब्रेरी संस्थान है वहाँ पर शुरू किया गया था जुलाई 1971 में, ये पूछा गया है। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ की है, ये एक आपकी USA की है, उसको क्या, USA की जो लाइब्रेरी है उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इसमें क्या गया कि कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन जो शुरू किया गया था आपका जुलाई 1971 में, वो किया गया था आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर। नैसडॉक वॉज सेट अप इन विच ईयर, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो नैसडॉक की स्थापना है, नैसडॉक नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है वो किया गया था आपके 1970 में किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि नैसडॉक क्या है यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अगर हम देखें तो द इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये किसकी फुल फॉर्म है, एक्रोनिम इसके लिए हो जाएगा ICRR, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी ये जो ऊपर दी गई है। साथ में अगर आप नैसडॉक की फुल फॉर्म देखें तो वो है आपकी नेशनल साइंस, सॉरी नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनका आप नोट कर लीजिए दोनों की फुल फॉर्म जो दी गई है, ICSSR की और नेसडॉक की फुल फॉर्म। डेसीडॉक वॉज स्टार्टेड इन, तो डेसीडॉक कब शुरू किया गया था, स्थापना कब की गई थी, तो डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो ये जो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, और ये जो है आपकी वो एक कह सकते हैं इसका पार्ट
पार्ट है, फिर डिवीजन है, वो है आपका डीआरडीओ का। डीआरडीओ का भी आपको जो है फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, डीआरडीओ की, जो कि आपकी क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो डेसीडॉग जो है वो स्टार्ट कब किया गया था, इनमें से कौन सी जो ईयर है इसका, तो वो है आपका 1967 में जो है डेसीडॉग स्टार्ट किया गया था, 1967। जेबीबी स्टैंड्स फॉर, जेबीबी की फुल फॉर्म बताइए, तो वो आपकी जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग जो है जेबीबी की फुल फॉर्म है। बी ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म लेब्रामेंट्री, तो ये जो टर्म है आपकी लेब्रामेंट्री वो किसने दी थी आपके, ऑप्शन आपके ये हैं, तो ये दी गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। लेब्रामेंट्री जो आपकी टर्म है वो दी गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। सी ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो रिलेटेड है वो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, ठीक है, तो मैनेजमेंट सिद्धांत से ये संबंधित है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण में विस्तार कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका है प्रपत्तर का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेशनल फैक्टर इन मैनेजमेंट वॉज स्टार्टेड, तो प्रबंधन में आपके जो मोटिवेशन से रिलेटेड जो कारक हैं वो किससे संबंधित है, प्रेरक कारक हैं या फिर प्रेरणा के कारक हैं, तो वो किसके द्वारा ये जो फैक्टर्स बताए गए हैं प्रबंधन में, प्रेरणा के कारक दिए गए हैं किसके द्वारा या फिर शुरू किए गए, स्टार्टेड बाय, तो ये दिए गए हैं आपके फेडरिक हर्ज़बर्ग द्वारा। फेडरिक हर्ज़बर्ग द्वारा ये दिए गए थे मोटिवेशनल फैक्टर्स इन मैनेजमेंट, तो फेडरिक हर्ज़बर्ग। नेक्स्ट है, द एक्रोनिम पोस्ट कॉब इज कॉइंड बाई, तो इसकी हम फुल फॉर्म बहुत बार हर एक आपका मॉक टेस्ट रहा हो उनमें से कभी ना कभी तो आता ही जाता है, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, ये दी गई थी आपके लूथर गुलिक द्वारा पोस्कोप। अगर आप चाहते हैं इसका राइट जो फुल फॉर्म है वो बताना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज एमबीओ इंट्रोड्यूस, एमबीओ कभी इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, तो 1954 में किया गया था एमबीओ। और एमबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड, तो ये कब बना आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 1876 में आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज यूज्ड फॉर, तो इंडियन नेशनल आईएनबी का जो है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है इनमें से, तो इसका इस्तेमाल होता है बुक सिलेक्शन के लिए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्म, तो जो रखरखाव का सेक्शन है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्टॉक वेरिफिकेशन टर्म से रिलेटेड है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो आपका जो चार्जिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग बुक से रिलेटेड, तो वो कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम, तो ये किया गया था 1932 में। इंटर लाइब्रेरी लोन वर्क्स कम अंडर द, तो इंटर लाइब्रेरी लोन जो है वो कौन किस सेक्शन के अंदर आता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन जो है सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर आता है ये। स्टैंडिंग वेंडर इज, तो ये है आपका पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन एजेंट।
तो जो आपका स्टैंडिंग वेंडर जो होता है, तो वेंडर किसको कहेंगे, विक्रेता को कहेंगे। तो वो क्या होता है, आपका आवधिक जो सब्सक्रिप्शन एजेंट होता है, इसको क्या कहेंगे आपको, पीरियोडिकल्स क्या होती हैं आपकी पत्रिकाएं, हम कह सकते हैं, सॉरी, तो पीरियोडिकल जो है आपका, जैसे अवधि से रिलेटेड जो होगा, पीरियड जैसे अवधि कहेंगे, तो आवधिक सब्सक्रिप्शन को हम कह सकते हैं सदस्य, सदस्यता से लेकर के, तो आवधिक सदस्यता एजेंट। और जैसे अवधि में जैसे आती है आपकी पत्रिकाएं आती है, चाहे मासिक में आए, चाहे डेली में आए, तो वो सभी जो आपके विक्रेता देते हैं, तो उनको कह सकते हैं स्थायी विक्रेता। तो उनसे संबंधित हो सकते हैं आपके जो आवधिक सब्सक्रिप्शन एजेंट हैं, उनको कहेंगे। ऑलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डिक्शनरी हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय, तो जिसका राइट आंसर है वो है आर आर बोकर। आर आर बोकर जो है आपके जो इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डिक्शनरी जो है वो पब्लिश किसके द्वारा की गई थी, आर आर बोकर के द्वारा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाउ मच वॉज ए एल एज कॉस्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन 1959 फॉर सैलरीज एंड वेजेस। तो आपकी जो ए एल ए है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उन्होंने कितना जो है, जो आपकी सेवाएं हैं उनके लिए कितना स्पेंड किया, कितनी उन्होंने चार्ज किया था, कितना कॉस्ट उसकी थी, आपकी सैलरी को लेकर के कह सकते हैं, चाहे आपकी उनकी वेजेस पर कितनी कॉस्ट थी, तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डी ऑप्शन। तो 68.8% इसकी कॉस्ट थी, किसकी, आपकी सैलरीज की और आपकी वेजेस की। नेक्स्ट है, इन यूएसए व्हाट वाज स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 1964 to 65। तो वो कितना खर्च करते थे आपके अमेरिका में जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज पर और आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में 1964 और 65 के बीच में। तो ये करते थे आपके 52.75 डॉलर, सॉरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 52.75 डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विद विच एक्टिविटी एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस एंड रिलेशन एनालिसिस आर एसोसिएटेड विद, तो क्रिया से रिलेटेड एनालिसिस जो होता है आपका, डिसीजन से संबंधित एनालिसिस है और रिलेशन से संबंधित एनालिसिस है, वो किससे संबंधित होगा इनमें से, तो वो होगा ऑर्गेनाइजिंग से। बी ऑप्शन का राइट आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। कंसल्टेशन ऑफ बुक रिप्लेसमेंट एंड डुप्लीकेशन विथ होम, तो हम किससे कर सकते हैं, किसी बुक को रिप्लेस करना हो चाहे आपको डुप्लीकेशन से रिलेटेड, तो किससे कंसल्ट कर सकते हैं, इनमें से कौन से सेक्शन के अंदर जो होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका विद सर्कुलेशन सेक्शन। तो कंसल्टेशन ऑफ बुक रिप्लेसमेंट एंड डुप्लीकेशन विद सर्कुलेशन सेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय, तो ये दी जाती है आपके बी सर्कुलेशन डिपार्टमेंट द्वारा, तो बी ऑप्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज डैश ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, तो ये आपकी ड्यूरेबिलिटी कि वो कब तक चलेगा, ठीक है, वो क्या होती है आपकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो ये है आपकी द ऑब्जेक्टिव लाइब्रेरी बाइंडिंग, जो किस पे डिपेंड करती है, ड्यूरेबिलिटी पे, जो आपकी बाइंडिंग की गई है वो कितने समय तक टिकी रहेगी ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल्स। द स्टैंडर्ड 10th थियरी, सॉरी, द स्टैंडर्ड एक्स थियरी वाई वॉज कंसीव्ड बाय, तो ये किसके द्वारा बनाई गई जो थ्योरी है, वो एक्स थ्योरी वाई वॉज कंसीव्ड बाय।
तो ये बनाई गई थी आपकी डगलस मैक ग्रेगर द्वारा, डगलस मैक ग्रेगर द्वारा ये बनाई गई थी आपकी द स्टैंडर्ड एक्स थ्योरी वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, तो इनमें से कौन सा है जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर खर्च जो है आपका, वो है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ए ऑप्शन। तो नॉन रिकरिंग क्या होता है, मतलब वो चीज़ जिसको हम खरीदते हैं लेकिन उसका बार बार हमें खरीदना ना पड़े, एक बार हमने खरीद ली तो काफ़ी है, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है ये, अगर हम फर्नीचर एक बार लगा देते हैं तो उसका क्या होता है, हमें बार बार नहीं खरीदना पड़ता, वो काफ़ी समय तक हमारा चल जाता है, ये गैर आवर्ती वाला होता है। जैसे ही हमारी बुक्स अगर हम एक बार ले आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही बुक्स हमारी चलती रहेगी, नई नई बुक्स आती जाएगी, हम उनको भी लेना पड़ेगा, पीरियडिकल्स आपके जो पत्रिकाएं हैं उनको भी हमें लाना पड़ेगा बार बार, हर महीने की, हर दिन की, हर साल के अलग अलग होते हैं, उनको भी खर्च करना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी है वो भी हमें हर महीने देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम फर्नीचर अगर ले लेते हैं तो उसको बार बार हमें दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है आपका, गैर आवर्तिक खर्च है। नेक्स्ट है इन DDC 72 रिप्रेजेंट्स फॉर, तो इन DDC 720 है वो क्या दर्शाता है इनमें से, तो ये जो दर्शाता है वो है आपका सी ऑप्शन आर्किटेक्चर इन जनरल। तो इन DDC 720 रिप्रेजेंट्स फॉर आर्किटेक्चर इन जनरल, सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड नेटिस इन 1974, तो ये किया गया था यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ DV डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC जो है इज, तो DDC के जो ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो वो आपके मेलविल DV जो खुद ही है ये, जो इनका पहला अक्षर जो आ रहा है DDC में, डबल जो डी आ रहे हैं, से पहला डी है वो इनके नाम से रिलेटेड है। द वर्ड क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, तो क्लासिफिकेशन किस लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो ये बना हुआ आपका क्लासेस से, तो क्लासेस की हम बात करें से बना है आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्सेज टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, तो इसमें ऐसा कौन सा संदर्भ स्रोत है जो कि हमें जानकारी देगा किसके बारे में, आपके जो इनमें से आपके कौन से संदर्भ स्रोत, इनमें से आपका कौन सा जो एक संदर्भ स्रोत हो सकता है इन सभी ऑप्शन में से। तो संदर्भ स्रोत की अगर हम बात करें तो उसको हम कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे गैजेटियर, तो बी ऑप्शन। तो क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि किसी स्थान विशेष की जानकारी के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत जो है, रेफरेंस सोर्स को कौन सा होगा, तो आपका होगा गैजेटियर। तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, विवरणिका, विवरणिका इसको कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर अ लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन स्पेस आइसोलेशन आइसोलेट नंबर फॉर मदर कंट्री इन CC कॉलन क्लासिफिकेशन, तो मदर कंट्री जो स्पेस आइसोलेट नंबर फॉर मदर कंट्री के लिए कौन सा होगा इनमें से, कौन सा नंबर इसमें चूज किया गया है या फिर बनाया गया है, तो वो है आपका 2। तो सबका देश अलग अलग होता है, इसके लिए आपको मदर कंट्री के लिए जो नंबर बताया गया है वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लोकल वेरिएशन मतलब कि स्थानीय विविधता के कानून के तहत जो CC है कॉलन क्लासिफिकेशन है, उसमें आपकी जो मदर कंट्री है उसके लिए एक अलग नंबर जो दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 ए ऑप्शन में जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम वो करते हैं अब, इन विच मोड्स ऑफ फॉर्मेशन द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड, तो किन मोड्स में जो है फॉर्मेशन होता है द सब्जेक्ट आपका जो बायोकेमिस्ट्री है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्यूजन, फ्यूजन इसको कहेंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी फंडामेंटल कैटेगरीज डिड रंगनाथन आइडेंटिफाइड,
तो मूलभूत श्रेणियां इन्होंने कितनी दी है, तो ये आपकी इन्होंने जो मूलभूत श्रेणियां दी है वो कितनी दी है, 5 दी है। तो उसको आप याद कर सकते हैं PEMEST से लेकर के, ठीक है। पर्सनालिटी आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, मैटर पदार्थ से संबंधित है, एनर्जी आपकी जो ऊर्जा से संबंधित है, एस स्पेस से आपका जो हो जाएगा स्थान से संबंधित है, टी से आपका समय हो जाएगा। तो ये आपकी 5 मूलभूत श्रेणियाँ जो है वो दी गई है आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल कैटेगरी इज कोर कॉम्पोनेंट ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट, तो कौन सा आपकी जो मूलभूत श्रेणी है वो एक कोर कंपोनेंट है, एक कोर कह सकते हैं भाग है एक कंपाउंड मिश्रित आपके सब्जेक्ट का, जो मिला हुआ आपका सब्जेक्ट है उसका, तो वो है आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। तो आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, जो आपकी मूलभूत श्रेणी है वो आपकी क्या होती है, कोर कंपोनेंट होती है, मुख्य कह सकते हैं, और कंपाउंड इसको यौगिक कह सकते हैं, यौगिक विषय की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉल नंबर फॉर सर्जरी इन सीसी, तो कॉलम क्लासिफिकेशन में कॉल नंबर क्या होगा सर्जरी से संबंधित, तो ये हो जाएगा आपका L47। तो इस तरीके से L4:7। वॉट डज MBO स्टैंड फॉर, तो MBO पहले भी आया था, इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। तो इसमें थोड़ी MBO की फुल फॉर्म अलग है, आई थिंक, अगर इसमें जो दी गई है तो जल्दी बताइए। तो मैंने आपको क्या बताई थी, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो क्या हो जाएगी MBO की फुल फॉर्म होता है, हो जाएगी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट आपकी जो एक्रोनिम्स आ रहे हैं उनकी भी आप फुल फॉर्म ध्यान रखिए। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये की गई थी, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किया गया था किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, J.D. ब्राउन द्वारा। अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स कोरिलेटिव टू ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज, तो आपके सिंबल्स का एक सिस्टम है वो किससे कोरिलेटिव है, तो ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे नोटेशन। ए ऑप्शन का राइट आंसर है नोटेशन, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, नोटेशन को अंकन या फिर संकेत चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सिंबल यूज्ड इन CC एडिशन 7 फॉर इंडिकेटिंग एंटीरियरिंग कॉमन आइसोलेट, इसको कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सामान्य अलगाव मतलब आइसोलेट को इंगित करने के लिए करने वाला सॉरी करने वाले के लिए एक CC का जो एडिशन 7 है उसमें प्रयुक्त किया गया प्रतीक इनमें से कौन सा है, पूर्ववर्ती सामान्य अलगाव को इंगित करने के लिए, तो वो है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो आपकी कब जो मूलभूत और प्रक्रियाएं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन संबंधित है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो कब आई थी ये, तो ये आई थी आपकी 1944 में, ए ऑप्शन का राइट आंसर है। यहाँ पर भी आप इनका राइट आंसर देख सकते हैं 1944। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ NPAC, NPAC के फुल फॉर्म इसमें क्या है, ये एक एक्रोनिम है NPAC, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी है नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग, ए ऑप्शन। रूल्स फॉर प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग वॉज पब्लिश्ड बाय, तो रूल्स फॉर अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो आपकी जो प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग होता है उसके लिए जो रूल्स है वो किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे, CA कटर द्वारा, बी ऑप्शन। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, इसकी जो एक्रोनिम है वो बन सकता है AACR1, इसको नोट कर लीजिए, वॉज पब्लिश इन द ईयर, तो ये कब पब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपके
1967 में बी ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द डॉस DOS कमांड्स इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी, तो कौन सी कमांड है वो एक डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए यूज की जाती है, कौन सी कमांड है इनमें से, तो वह है आपकी RMDIR ए ऑप्शन, या तो हम इसको RMDIR कह सकते हैं रिमूव डायरेक्टरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं RD कमांड कह सकते हैं रिमूव डायरेक्टरी। अब आप कह सकते हैं कि डिलीट या फिर जो कि ये जो कमांड है इसको हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जो आपकी डिलीट या फिर इरेज कमांड है वो केवल और केवल यूज़ होती है आपकी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, ना कि डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। और DOS क्या होती है वो आपको फुल फॉर्म ज़रूर पता होगी, जो कि आपकी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी DOS। तो इसमें आपकी जो कमांड होती है RMDIR वो डिलीट करने के लिए होती है डायरेक्टरी, अगर फाइल्स को डिलीट करने के लिए होती है वो आपकी DEL, ठीक है ना, डिलीट की जो कमांड है, फिर इरेज कमांड हम कह सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड होती है आपकी फाइल्स डायरेक्टरी के लिए, हमें RMDIR फिर या फिर RD जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो कैटलॉगिंग पब्लिकेशन किस तरह का एक उदाहरण है, कौन सी फॉर्म कैटलॉग का, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग का। नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग NPAC इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो वो है आपका शेयर्ड कैटलॉगिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कैटलॉगर्स कैन कीप अप टू डेट ऑन LCS true, तो अप टू डेट किस तरीके से रह सकते हैं आपके कैटलॉगर्स हैं जो कि कैटलॉगिंग करते हैं उनको कहेंगे हम, तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कैटलॉगिंग सर्विस बुलेटिन के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो CS की जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स है वो कब पब्लिश की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है 1923 में, बी ऑप्शंस का राइट आंसर है 1923। विच फॉर्म ऑफ कैटलॉग इज नॉट रिलीज्ड बिफोर द बुक्स आर पब्लिश्ड, तो कौन सा कैटलॉग है वो रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक कि आपका जो है बुक अगर पब्लिश नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। इन विच ईयर प्रेसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इससे पहले भी आपके जो 100 क्वेश्चन किए थे उनमें प्रेसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, जल्दी से बताइए कि इसकी जो प्रेसिस जो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, जो उन व्यक्ति का आपको नाम बताना है, इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपने इससे पहले का जो मॉक टेस्ट था उसमें आपने किए थे, तो पहले के जो 100 प्रश्न हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1958, तो प्रिसिस 1958 में। नेक्स्ट है, फ्रॉम 1970 विच सब्जेक्ट एक्सेस मेथड वाज यूज्ड बाय BNB, तो सब्जेक्ट एक्सेस मेथड है वो यूज़ किया गया था फ्रॉम 1970 में, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन, प्रिसिस ये आपका मेथड है। और ये जो इस तरह के मेथड है वो किससे संबंधित होते हैं, कि इंडेक्सिंग से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, पीकाबू कार्ड इज यूज्ड फॉर विच इंडेक्सिंग सिस्टम, तो पीकाबू कार्ड तो ये यूज़ किया जाता है POPSY के द्वारा, इससे संबंधित भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ POPSY इन इंडिया, तो कौन इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, कौन इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे आपके जो POPSY का जो विकास किया गया था इंडिया के अंदर, तो जिसका राइट आंसर है सी ऑप्शन जी भट्टाचार्य द्वारा। नेक्स्ट है, ABC रेफर्स टू, ABC की फुल फॉर्म क्या है इनमें, तो इसकी फुल फॉर्म है जो आपका बी ऑप्शन है, एटना सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर,
इन विच ईयर एनियाक वॉज डिवलप्ड? तो एनियाक एक तरह का आपका कंप्यूटर है, इसकी जो ये डेवलप्ड कब किया गया था, तो ये किया गया था आपके 1946 में। तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड मार्क? तो मार्क किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग था। GUI रेफर्स टू, GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो GUI की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पंच कार्ड मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो पंच कार्ड मशीन जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपके जोसेफ मैरी जैकार्ड द्वारा। जोसेफ मैरी जैकार्ड द्वारा बनाई गई थी पंच कार्ड मशीन। नेक्स्ट है माइक्रोफोन इज यूज टू, तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो ये हम करते हैं इनपुट ऑडियो टू कंप्यूटर्स, हमें ऑडियो देना होता है अगर कंप्यूटर के अंदर ऐड करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इनपुट ऑडियो टू कंप्यूटर्स। 1 GB इज इक्वल टू, गीगाबाइट मतलब GB, तो 1 GB में कितना जो क्या होगा इनमें से MB होगा? तो बहुत ही ईजी है, ये होता है 1024 MB होता है 1 GB के अंदर, गीगाबाइट GB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BCD स्टैंड्स फॉर, BCD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एडोब फोटोशॉप जो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एक अलग से हम एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शंस का राइट आंसर है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज, तो इसका रेजोल्यूशन कितना होता है लेजर प्रिंटर का? तो ये होता है 600 DPI ऑनवर्ड्स, तो 600 DPI ऑनवर्ड्स ये होगा इसका। तो डी ऑप्शंस का राइट आंसर हो जाएगा 89 में। और DPI में जैसे आपका ये लिखा गया है, DPI क्या होती है? तो डॉट्स पर इंच, ठीक है, डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो 600 DPI ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनेलियल, तो बाई का मतलब अगर हम बात करें बी आई, ये क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है जो कि संबंधित होता है दो से, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पेपर आता है दो लैंग्वेज में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखें कुछ रूट वर्ड्स, तो बाई अगर आ गया है तो उससे संबंधित है, इसका संबंध है कि दो चीज़ों से संबंधित, इसमें दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो बाई को हम क्या कह सकते हैं? टू, बाई इक्वल टू टू, तो इसका मीनिंग हम किससे लेंगे? बाइनेलियल हो जाएगा आपका। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका पब्लिश्ड वन इन एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। तो बाइनेलियल वो होता है जो कि आपका कोई भी 2 साल में एक बार प्रकाशित होता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे बाइनेलियल। कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ, तो कंपाइलर किसका पार्ट होता है इनमें से? तो ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है कंपाइलर। व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो इनमें से आप इजीली बता सकते हैं प्रोग्राम टू परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग फंक्शन। तो वर्ड से रिलेटेड जो फंक्शन से रिलेटेड जो है वो आपका है, क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। अ पाथ नेम कैन बी आइदर डैश और, तो पाथ नेम क्या हो सकता है इनमें से? तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ए ऑप्शन, तो हो जाएगा एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है किसी भी पाथ नेम जो दिया जाता है उसको। व्हेन वाज यूनिक्स डेवलप्ड, तो यूनिक्स कब डेवलप्ड किया गया था, कब इसको विकसित किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में।
VPN expand, VPN की फुल फॉर्म क्या है? तो VPN की फुल फॉर्म है सी ऑप्शन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो क्या आता है VPN होता है आपका। सी ऑप्शंस का राइट आंसर है। URL stands for, URL की हमेशा फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन इसमें ना हो। तो ये जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बी ऑप्शन। एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस नोन एज, तो वेब पेज की पे एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, हर एक जो भी आपका वेब पेज होता है उसका URL होता है, ये आपको पता होगा। नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क जो कनेक्ट किए जाते हैं तो उससे क्या बनता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका तो ये जब बन जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और लेन क्या हो जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और कैन की अभी हमने एक जो फुल फॉर्म ऊपर देखी थी उसका आपको राइट आंसर आपने दिया होगा, जल्दी से इसका फिर से आंसर आपको दे देना है कमेंट बॉक्स में कैन की फुल फॉर्म का। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनेबल टू यूजर्स टू गेट, तो ये जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? ये आपका है बी ऑप्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी, बी ऑप्शन। हु हैज डेवलप्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है टीम बर्नर्स ली द्वारा ये बनाया गया था आपका WWW। तो ये ऑप्शंस का राइट आंसर है। तो ये थे आपके इस पेपर के 100 क्वेश्चन, और इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, जो कि हमने पहले के जो 100 क्वेश्चन थे वो हमने इससे पहले का जो पेपर किया था उसमें सॉल्व किए थे। बाकी के 100 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अब तक आपके 3 से 4 जो ऐसे ऑनलाइन टेस्ट हो चुके हैं जिसमें आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, साथ में आपके उसमें लैब्रेरी साइंस के क्वेश्चन भी थे और कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इस तरह के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं हिंदी में भी, तो उसके लिए आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ पर आई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और लिंक जो बाकी वीडियोज़ के हैं वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के इस वीडियो में इतना ही। सो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पर।